हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं लेक्मी परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग फाउंडेशन को रिव्यू करने जा रही हूँ। ये जो फाउंडेशन है आपके पास 50 ग्राम्स की ट्यूब में अवेलेबल होता है और इसकी प्राइस है ₹235। सॉरी, इसका जो आउटर पैकिंग है वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी पैकेजिंग पे क्या क्या मेंशन्ड है। मैं आपको थोड़ा जूम व्यू भी इसका दिखा देती हूँ। न्यू लेक्मी स्किन लाइटनिंग फाउंडेशन फ्लॉलेसली ब्लेंड्स इनटू योर स्किन, मेकिंग यू लुक विजिबली फेयरर एंड ट्रांसल्यूसेंटली रेडियंट। ब्राइटनिंग पर्ल्स, विटामिन B3, SPF 11 इन शेड्स डिजाइन स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टोन्स। तो बेसिकली ये जो फाउंडेशन है ये ऐसी स्किन टोन के लिए है जो कि मतलब इंडियन स्किन टोन है, सभी स्किन टोन्स के लिए सूटेबल है। इसमें SPF भी अवेलेबल है, SPF 11 है इसमें और विटामिन B3 है। फाउंडेशन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। फाउंडेशन को इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो इवन दिखे, कहीं पर भी अगर हमारे फेस पे स्पॉट्स हैं, कोई भी अगर ब्लेमिशेस हैं, उसको हम कवर अप कर सकें और इवन स्किन टोन हमारी लग सके। तो अब इसको मैं रिव्यू भी कर दूंगी और साथ में आपको प्रॉपर वे भी बता देती हूँ कि अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन भी अलग अलग वैरायटी में आते हैं तो उस अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसकी अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका किस तरह से टेक्सचर है। इस तरह के आपको कलर में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट बहुत थोड़ा चाहिए होता है, मुझसे गलती से ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया है। जब भी आपको फाउंडेशन यूज़ करना है, फर्स्ट पॉइंट इज आपको ऑल ओवर योर फेस, नेक एंड ईयर्स मेनली, ये तीन चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए और सब जगह पे आपको डॉट डॉट करके इसको अप्लाई करना है। सपोज दिस इज माई फेस, तो इसको आप कैसे अप्लाई करोगे, फेस, ईयर और आपके नेक होगी। आपको अपने कान भी अच्छी तरह से कवर करने हैं। अगर आपके पास स्पॉन्ज है तो उसकी मदद से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इन अ डैबिंग मोशन आपको डैब 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 करके इसको अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें आप हल्की सी कोई क्रीम मिक्स कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि वो क्रीम पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। थोड़ा मॉइस्चराइजर जैसे हो आप उसको ऐड कर सकते हैं, गुलाब जल को ऐड कर सकते हैं इसमें, पर पहले मिक्स करें फिर अप्लाई करें। अब जैसे अगर सपोज आप लगा चुके हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसमें मैं क्रीम मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। तो अब ये मैंने यहाँ पर अपना हल्का सा मॉइस्चराइजर लिया है, इसकी मदद से हम इसको फैलाएंगे। अब या तो आप अपने हैंड से इसे कवर अप कर सकते हो, अगर आप हैंड से इसको यूज कर रहे हो तो आपको इसको अच्छे से मसाज करना है ताकि आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। नहीं तो आप इस तरह की आपके पास कोई स्पॉन्ज अवेलेबल होगी इसको यूज कर सकते हैं, पर इसको ड्राई यूज नहीं करना। इसको हल्का सा हम गीला करेंगे, उसके बाद उसको इस तरह से निचोड़ के जितना भी एक्सेस वाटर है वो रिमूव करेंगे और फिर उसकी मदद से हम इसको सारा अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देंगे। तो अब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि स्पॉन्ज को आप किस तरह से वेट करके उसमें से एक्स्ट्रा एक्सेस जो वाटर है निकाल के फिर आप अपनी स्किन में इसको कैसे एब्जॉर्ब करने देंगे। तो अब मेरा वेट स्पॉन्ज है, इसमें से मैंने एक्सेस वाटर रिमूव कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी है, हमें इसको बिल्कुल ही सारा पानी नहीं निकालना, एक बार ऐसे करके आप निचोड़ देंगे अपनी स्पॉन्ज को। तो अब मैं दिखाऊंगी कि आप इसको कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। इस फाउंडेशन को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है ये, और बहुत ज़्यादा ड्राइंग भी नहीं है। कभी आपको लगे कि ये ड्राइनेस, आपकी स्किन कई बार होता है बहुत ज़्यादा पहले से ही ड्राई हो रखी होती है, तो सबसे पहले आपको मॉइस्चराइजर तो अप्लाई करना ही है स्किन में, तो आप इसमें हल्की सी क्रीम मिक्स कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी हेल्प से कैसे ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है मेरे हैंड में। तो उससे क्या होगा कि बहुत ही वाइटिश लेयर जो आपके फेस पे नजर आती है फाउंडेशन लगाने के बाद वो नहीं आएगी। इसको और ज्यादा कवरेज देने के लिए आप इसके ऊपर जो प्रेस्ड पाउडर होता है हमारा,
जिसको कि हम फेस पे यूज करते हैं, वो इसके ऊपर हल्की सी लेयर आप अप्लाई कर सकते हैं, हल्का हल्का ऐसे डैप करके आप यूज कर सकते हैं, तो और ज्यादा कवरेज आ जाएगी। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, इसमें हमने अप्लाई की है और इस हैंड में अप्लाई नहीं किया है, तो आपको शायद थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा हो, बट कोई भी केकी अपीयरेंस नहीं मिलेगी आपको जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि मैंने अपने हैंड पे इसको यूज़ करके दिखाया और मेरे हैंड पे कोई भी स्पॉट्स नहीं थे, हैंड ऑलरेडी क्लियर है। जब आप इसको अपने फेस पे यूज़ करोगे और जब आपके कोई स्पॉट्स हैं, जो भी ब्लैमिशेज हैं, उसको ये प्रॉपर कवरेज देगा। आई होप आई वॉज एबल टू डिस्क्राइब ऑल द फीचर्स ऑफ दिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू।